स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ से ये स्मार्ट लोन ऐप है, इससे लाइव लोन लेके दिखाए दोस्तों। तो वीडियो में बन रहे हैं दोस्तों इस ऐप की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहीं से जाके इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तभी आपको यहाँ से लोन जो है अप्रूवल हो पाएगा। चलिए दोस्तों हम इस ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए स्मार्ट लोन लिखा है, सेफ एंड इजी हाई लोन अप्रूवल रेट, यहाँ पर लिखा है टेक 2 मिनट इजी कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों यहाँ परमिशन देना है दोस्तों हमें, इसे परमिशन देने के बाद राइट पे ऑप्शन पे ओके करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ अलाउ अलाउ करना है, डिवाइस मैसेज कॉल कॉन्टैक्ट और SMS वगैरह जो पिक्चर विक्चर जो भी सारी चीज़ें अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लोन अमाउंट दिखा रहा है अप टू 30,000 रुपये, और यहाँ पर लोन अमाउंट दिखा रहा है 2 से 50,000 रुपये तक लो इंटरेस्ट लगेंगे, 10/90 से 180 इनका फास्ट रिव्यू होगा दोस्तों यहाँ पर। और चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जो है बाकी कुछ और दिखा रहे दोस्तों, तो हम यहाँ अप्लाई पर ओके कर देंगे। अप्लाई पर ओके करने के बाद दोस्तों अपना ये यहाँ पर है जो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे दोस्तों। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करा उस पर एक OTP जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है OTP फिल करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों मेरे इसमें ऑटोमेटिक OTP फिल हो चुका है, और यहाँ पर जो अप्लाई नाउ का फिर से ऑप्शन आ गया दोस्तों, तो हम इस पर फिर से ओके कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट लिखा, बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा और यहाँ स्टार्ट लिखा है। चलिए दोस्तों हम KYC डॉक्यूमेंट्स में ओके करते हैं। यहाँ पर एक सेल्फी बोल रहा है, एक आधार फ्रंट बोल रहा है और एक आधार बैक बोल रहा है और एक पैन कार्ड बोल रहा है, और दोस्तों यहाँ सबमिट का ऑप्शन है। चलिए दोस्तों हम चारों चीज़ें यहाँ फिल कर देते हैं। सबसे पहले अपनी सेल्फी, दोस्तों हमने यहाँ पर जो है सेल्फी फोटो यहाँ पर खींच के अपलोड कर दी दोस्तों। आधार कार्ड का फ्रंट यहाँ से हमने अपने कैमरे से खींच दिया दोस्तों, और यहाँ पर आधार कार्ड बैक भी जो हमने अपने कैमरे से खींच दिया। उसके बाद पैन कार्ड की जो है हमने कैमरे से यहाँ फोटो खींच दी है, इसी के अंदर एक कैमरे का ऑप्शन आया था हमने उससे यहाँ खींच दी। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ सबमिट पर ओके कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही ओके करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है 1 से 3 तक पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है दोस्तों। यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है दोस्तों, यहाँ पर जो है फर्स्ट नेम लिखना है आपका, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार कार्ड नंबर डालना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, एजुकेशन डालना है, मैरिड, स्टेट डालना है, सिटी ऑफ रेसिडेंट डालना है, रेसिडेंट डेटा डालना है, पिन कोड डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है दोस्तों। और सेकंड स्टेप में दिखाता हूँ दोस्तों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, एक कॉन्टैक्ट पर्सन जो है रिलेशनशिप जो है एक डालना है, और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट पर्सन जो है दो डालना है दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपके मोबाइल में अगर 2 नंबर हो, मोबाइल नंबर आपके पास 2 सिम हो, तो दोस्तों यहाँ पर 2 सिम के यहाँ पर नंबर डाल सकते हो दोस्तों। जरूरी नहीं कि आप फादर वादर मदर का ही नंबर डालो। और थर्ड स्टेप में दोस्तों आपको पैन कार्ड नंबर, कंपनी नेम डालना है, कंपनी फ़ोन नंबर डालना है, सिटी ऑफ कंपनी डालना है, एड्रेस डालना है, परफॉर्मेंस डालना है, मंथली इनकम डाल देना है दोस्तों। ये जो वर्क इन्फॉर्मेशन है इसमें भी आप कुछ भी डाल सकते हो, किसी कंपनी का नाम डाल दीजिए, किसी भी कंपनी का फोन नंबर डाल दीजिए, सिटी कंपनी डाल दीजिए, कंपनी एड्रेस डाल दीजिए और परफॉर्मेंस डाल दीजिए, मंथली अपने हिसाब से जो भी इनकम डालना डाल दीजिए। चलिए दोस्तों हम 3 चीज़ें फिल करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप क्या आती है। दोस्तों हमने यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर दी है, उसके बाद हम यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर एड रिसीविंग बैंक कार्ड बोल रहे दोस्तों, हमें यहाँ बैंक का जो है यहाँ पर IFC कोड और बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर जो है एड रिसीविंग बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट का IFSC कोड है और बैंक अकाउंट नंबर और कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर कर दिया है, और यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है चूज लोन अमाउंट लिखा है 3,000 रुपये, 3,000 रुपये का लोन, टर्नओवर 7 दिन का लिखा है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट होगा 1,860 रुपये, रीपेमेंट होगा 3,000 रुपये, इंटरेस्ट रेट होगा 0%, GST 18%, सर्विस जो है, और यहाँ ब्राउ मनी नाउ लिखा है दोस्तों। दोस्तों ये जो ऐप है सिर्फ खाली हमें यहाँ पर जो लोन टर्नओवर 7 दिन का दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस ऐसे किसी भी ऐप से लोन ना ले दोस्तों, क्योंकि आप 7 दिन में हमें यहाँ पर कितने रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ा दोस्तों, यहाँ पर हमें 1,200 रुपये का 7 दिन के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट लग जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये जो है एक फर्जी टाइप का ऐप निकल के आया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 7 दिन का यहाँ पर जो शुरू में दिखा रहा था 90 से 180 का, पर ये 90 से 180 का लोन ऐप से नहीं दोस्तों। तो इस ऐप का आप दोस्तों ट्राई ना करें दोस्तों, ये एक नंबर का दोस्तों यहाँ पर फर्जी ऐप है दोस्तों। यहाँ पर दिखा रहा है 30,000 अमाउंट, पर ये दे रहा है 3,000 रुपये दोस्तों, और 3,000 का सिर्फ 7 दिन का हमें यहाँ पर जो है ये ऐप से लोन दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यही था इस ऐप के बारे में दोस्तों, यही था स्मार्ट लोन ऐप्स के बारे में दोस्तों। यहाँ सिर्फ 7 दिन का लोन मिलता है दोस्तों, ये खाली जो ये इन्फॉर्मेशन अगर दी है दोस्तों, ये सब फर्जी दी गई दोस्तों। यहाँ पर 91 से 180 वगैरह फास्ट रिव्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ फर्जी दी गई दोस्तों। तो दोस्तों यही था इस स्मार्ट लोन ऐप्स के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों इस ऐप से लोन ना ही ले तो ही बेहतर दोस्तों, क्योंकि आपको जो है आरबीआई रजिस्टर्ड 3,000 से 5,000, 10,000, 20,000 जो भी वहाँ पर लोन मिल सकता है, और आपको जो मंथ है जो 1 मंथ से लेकर 3 मंथ से लेकर 5 मंथ से लेकर 9 महीने तक के आपको वहाँ पर लोन मिल सकता है दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों मेरे चैनल पर बहुत सारी डाली है दोस्तों, आपको जो है 3 महीने तक के लोन मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस ऐप के पीछे ना जाए दोस्तों, क्योंकि क्या है, ये सिर्फ 7 दिन का ऐप्स देंगे और आपको 1,200 रुपये यहाँ इंटरेस्ट ले लेगा दोस्तों। तो यही था ये ऐप्स के बारे में दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताया, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।